पति पितृणां कर्तृणां तारणाय च ब्रह्मणा प्रार्थितो विष्णुः फल्गु रूपो भवत्पुरा। गया जी में फल्गु तीर्थ पर श्राद्ध करने से पितरों की मुक्ति एवं करने वाले का तारण होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से स्वयं भगवान विष्णु ही फल्गु के रूप में परिणत हुए। फल्गु नदी एक ऐसी नदी जो रहस्यों विचित्रताओं की रेत में लिपटी हुई है, जो पुरातन भी है और नवीन भी, जो थल भी है और जल भी। कहते हैं कि कभी जिससे दूध प्लावित होता था और आज साल के अधिकांश महीने जहां रेत उड़ती है, लोकोक्ति है कि सीता माता ने फल्गु नदी को सूख जाने का श्राप दिया। हिंदू मान्यताओं में मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उसका पिंडदान न कर दिया जाए। विश्व भर के श्रद्धालु पितृपक्ष की अवधि में गया के विष्णुपद मंदिर में पिंडदान को विशेष महत्व देते हैं, लेकिन उन श्रद्धालुओं को धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए फल्गु नदी अंतःसलिला की रेत से जल निकालने का दुखद प्रयास करना पड़ रहा था। आवश्यकता थी एक दूरदर्शी सोच और असंभव को संभव कर दिखाने वाले संकल्प के लिए। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जल संसाधन विभाग द्वारा विष्णुपद मंदिर के निकट फल्गु नदी में पूरे वर्ष कम से कम 2 फीट पानी उपलब्ध कराने की योजना, गहन अध्ययन, विस्तृत तकनीकी जांच और IIT रुड़की के तकनीकी विशेषज्ञों के सहयोग के पश्चात बनाई गई। प्रयास से एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया और वो जो असंभव सा एक स्वप्न दिखता था, वो इन सोच और प्रयासों से समय से पहले वास्तविकता में परिवर्तित हो गया। कोरोना जैसे भयंकर महामारी के दौर को झेलते हुए भी ये योजना अपने निर्धारित समय सीमा से 1 वर्ष पूर्व ही बनकर तैयार है। महासंगम 2022 में श्रद्धालु इसका लाभ उठा रहे हैं। अब गया के विष्णुपद मंदिर के 300 मीटर डाउनस्ट्रीम में फल्गु नदी पर 3 मीटर ऊंचा और 411 मीटर लंबा रबर डैम है, जिसमें 65 मीटर के 6 स्पैन डैम का नामकरण गया जी डैम किया गया है। बहुत कम कलपुर्जे का उपयोग होने के कारण इसमें लुब्रिकेंट का उपयोग नहीं होता। ये पर्यावरण अनुकूल है। विशेष बात तो ये है कि नदी जल के सीपेज को रोकने के लिए इसमें आधुनिक तकनीक युक्त शीट पाइल और डायफ्राम वॉल का निर्माण किया गया है। We also work for Hydro Construct, and this is one of our largest rubber dams so far, and also the complexed ones. पहले विश्व भर के तीर्थयात्री तर्पण के लिए फल्गु नदी में जल ढूंढते हुए इधर उधर भटकते, क्लांत मन और शरीर से रेत खोदते रहते थे। अब तर्पण के लिए फल्गु नदी में 12 महीने कम से कम 2 फीट जल उपलब्ध रहेगा। बड़ी बात यह है कि इससे गया के जल स्तर के रिचार्ज पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जहां पर गर्मी में पेयजल की गंभीर समस्या बनी रहती है। एक विशेष बात तो ये है कि तीर्थयात्री सीता कुंड जाते थे और बाएं से दाएं तट जाने में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब रबर डैम के ऊपर पैदल पार पथ का भी निर्माण किया गया है। तीर्थयात्रियों के लिए बाएं से दाएं तट की यात्रा एकदम सुगम हो गई है। एक बड़ी बात ये भी है कि विष्णुपद मंदिर के सामने घाट छोटा था और तीर्थयात्री अनगिनत, स्पष्ट है उनके अब तक के कष्ट का अनुमान किया जा सकता है। इस बात को समझा गया और 500 मीटर की लंबाई में पुराने घाट की चौड़ाई औसतन 30 से 50 फीट बढ़ाकर कोटा स्टोन लगाया गया है और इसके साथ 265 मीटर की लंबाई में सीढ़ी का निर्माण कर रेड स्टोन लगाया गया है।
इस योजना के कार्यान्वयन से जल संसाधन विभाग की उपलब्धियों में दो और स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ गए हैं। एक, ये देश का सबसे बड़ा रबर डैम है। दूसरा, इसे प्रस्तावित लक्षित समय से एक साल पहले पूर्ण कर लिया गया है। इस योजना का एक विशेष पहलू ये है कि अब तक गया शहर के वासियों द्वारा घरेलू कार्य के लिए उपयोग किए गए जल का निकास विष्णुपद मंदिर के अपस्ट्रीम में मनसरवा नाला के माध्यम से होता था, जिस कारण श्रद्धालुओं द्वारा पिंडदान के समय उपयोग किए जा रहे नदी के पानी की स्वच्छता को प्रभावित होती थी। इस समस्या के निवारण हेतु बाएं तट पर 752 मीटर की लंबाई में कंक्रीट बॉक्स नाला का निर्माण किया गया है, जिससे शहर के अपशिष्ट जल यानी सीवेज का निष्पादन अन्यत्र किया जाना संभव हो पाया है। मनसरवा नाला के निर्माण को भी रिकॉर्ड 55 दिनों में पूरा किया गया है। आज हमारे नीतीश बाबू का देन के कारण हमारी गंगा यहाँ पर सामने दिखाई पड़ रहा है।